बच्चे लोगों को सबको म्यूट रहना है। यहाँ पे जो स्पीकर्स हैं वो स्पीकर्स बोलेंगे पहले। हेलो रुचिता जी, चालू हाँ करो चालू करो। फोटो नहीं दिखाई दे रही क्या? नहीं आपकी नहीं दिख रही। नहीं 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 दिख रही है आपकी फोटो। आप वेबकैम का जो कैमरे का आइकन है उसको आप प्रेस कर सकते हैं तो आपको दिखाई देगा। कहाँ पे है कैमरा का? मैं माइक के बाजू में ही है। माइक के बाजू में है। रुचिता जी आपकी आवाज डबल इको हो रहा है। वीडियो का बटन दबाएगा अभी वीडियो का। हाँ अभी दिखे, अभी दिखे आप। हाँ वीडियो का बटन दबाओ। हाँ अभी दिखे, चालू करें। यस शांति चालू कीजिए। अब आप नहीं सुनीता जी आए क्या? सुनीता हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मेरा डबल आवाज आ रहा है क्या? रुचिता सबका आवाज क्यों हो रहा है? सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। सुनीता आंटी आ गए क्या? हेलो करो शोभा आंटी। सभी लोग बाकी जी बोलिए। अपने गेस्ट आ गए क्या वो देखो ना पहले। सुनीता आंटी और वही देख रहे हैं ना। मैंने मोबाइल लैपटॉप पे नहीं हो रहा था, मेरे मोबाइल पे किया है मैंने। आप रुचिता जी से बात कीजिए। हाँ रुचिता जी, रुचिता जी सुनीता आंटी आ गए क्या? सुनीता जी पलोड अभी जस्ट आए। और राठी जी, राठी जी आ गए। राठी जी दिख रहे हैं? नहीं है राठी जी नहीं दिख रहे। और अनूप भैया वो आ गए। ओके अनूप जी तो वहीं पे हैं। इसीलिए तो पूछा उनको अनूप भैया आ गए क्या। और ये राठी जी नहीं आए ना अभी तक। जय श्री कृष्णा। सभी को जय श्री कृष्ण। सभी को जय श्री कृष्ण। शोभा आंटी जी खाली एलवी राठी जी नहीं है तो चालू करें। जय श्री कृष्ण। राठी जी को एक कॉल करें क्या? कर दीजिए आप, कट हो जाएंगे लेकिन फिर उसके ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। एक काम करो ना, और किसी को कोई कर सकता है क्या? आप कर सकते हो क्या? अनुप भैया कोई बोलते हैं ना, अनुप भैया। हाँ अनुप जी को बोल दो। अनुप जी, रुचिता जी, रुचिता भाभी, अनुप भैया को बोलिए ना कि एलवी राठी जी को फोन करे। बोलती हूँ अनूप भैया। मैं कर रहा हूँ जी। अनूप भैया है यहाँ पे। यस यस जय श्री कृष्ण। 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 यस जय श्री कृष्ण एवरीबॉडी। स्वागत है आपका महिला संगठन में। थैंक यू थैंक यू। जय श्री कृष्ण सभी को। अभिनंदन। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। चालू चालू करूं बाबा? शिल्पा जी चालू कर दीजिए। जय श्री कृष्ण। जय महेश। बाकी सब लोग अपना म्यूट रख दीजिए तो आवाज ये नहीं होगी। जय श्री कृष्ण। जय महेश। थाना जिला महिला संगठन
और थाना क्षेत्र महिला समिति के अंतर्गत बाल एवं किशोरी किशोरी समिति के अंतर्गत आज से हम माहेश्वरी बच्चों के लिए एक महीने का बाल संस्कार शिविर समर कैंप शुरू करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत हम महेश भगवान के नाम स्मरण से करेंगे। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय तस्मेन काराय नमः शिवाय तस्मेन काराय नमः शिवाय। मैं शिल्पा सारडा, बाल एवं किशोरी समिति प्रमुख, थाना जिला, स्वागत और मनोगत के लिए अब आमंत्रित करती हूँ हमारी अपनी थाना जिला की अध्यक्षा जी शोभा जी। आप ओवर टू शोभा जी। जैसे सबसे पहले भगवान महेश जी को स्मरण करते हुए उनके स्मरण करते हुए स्वागतम स्वागतम। आज थाना जिला तथा थाना क्षेत्र किशोरी समिति के अंतर्गत बच्चों का संस्कार शिविर हम लेने जा रहे हैं। इस शिविर के ओपनिंग सेमिनरी में अपने प्रमुख अतिथि के रूप में आदरणीय सुनीता जी खलोड, प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र प्रदेश सचिव, आदरणीय लक्ष्मीकांत जी राठी, थाना जिला सभा अध्यक्ष तथा विशेष अतिथि के रूप में आदरणीय सुजाता जी झवर, कोकण विभाग उपाध्यक्ष, आदरणीय अनुप जी मोहता, थाना जिला युवा संगठन अध्यक्ष, आप सभी का मैं इस प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और यहाँ पे इस मीटिंग में उपस्थित सभी जनों का, सभी महिलाओं का, सभी बच्चों का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। कोरोना काल की इस विपरीत अवस्था में बच्चे करे तो क्या करे, यह प्रश्न हरेक पेरेंट्स को सता रहा है। यह सोचकर हमने इस शिविर का आयोजन किया है। इस 30 दिवसीय शिविर में आप अभी तक सभी 60 बच्चों ने सहभाग लिया है। पूरे जिले के बच्चों से, पूरे जिले से तो बच्चों की एंट्री आई है, पर औरंगाबाद, जयपुर, इस शहरों से भी हमें यहाँ पे एंट्री आई है। इस शिविर का नियोजन किया है हमारे जिला युवा संगठन अध्यक्ष अनुप जी मोहता की धर्मपत्नी तथा हमारी कंप्यूटर नेटवर्क समिति प्रमुख बबीता जी जाकोटिया की बेटी, यानी हमारे थाना जिला की बेटी ही है वो, रेणुका जी मोहता इस शिविर का आयोजन नियोजन कर रही है। इसके पहले भी अनेक शिविर का सफल आयोजन किया है। बस ऐसे ही सफलता से यह शिविर भी संपन्न हो गए, इसी विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। आए हुए सभी मेहमानों का तहे दिल से फिर से एक बार स्वागत स्वागत स्वागत। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद शोभा जी। मैं अभी अपना इस शिविर की जो प्रमुख है, जिन्होंने ये शिविर शुरू करने वाले हैं और ट्रेनिंग देने वाले हैं, रुचिता जी मोहता, इनके परिचय के लिए थाना क्षेत्र की सचिवा संगीता जी मुंद्रा, इनको आमंत्रित करती हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण, जय महेश। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे हमारी अपनी रुचिता मोहता का परिचय देने मिल रहा है। रुचिता को हम सब बचपन से जानते हैं और बहुत अच्छे से सब जानते हैं उसको। रुचिता मोहता थाना माहेश्वरी मंडल युति समिति की सदस्य है और पिछले 15 साल से थाना माहेश्वरी समाज से जुड़ी हुई है। रुचिता ने महाराष्ट्र की आर्क डायरेक्टोरेट के दोनों लेवल्स, एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट एग्जाम्स ए ग्रेड में पास की है। रुचिता को आर्ट्स में काफी इंटरेस्ट है। उन्होंने अपना करियर इंटीरियर डिजाइनिंग एंड डेकोरेशन डिप्लोमा में अपना करियर किया है। वो एक सक्सेसफुल इंटीरियर डिजाइनर है। वह अपनी ऑनलाइन हॉबीज आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस पिछले 10 महीनों से चला रही है। उसने अभी तक 500 से ज्यादा ऑनलाइन सेशंस लिए हैं
और 2000 से ज्यादा बच्चों को प्रशिक्षित किया है। आज के शिविर में भी महेश्वरी समाज के 70 से अधिक बच्चे उनसे जुड़े हुए हैं। थैंक यू रुचिता फॉर टेकिंग द समर कैंप एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सेशंस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच संगीता जी और ऑल द बेस्ट रुचिता जी। अब मैं हमारे प्रमुख अतिथि महाराष्ट्र प्रदेश सचिवा और मेरे अपने नवी मुंबई और थाना जिला की शान सुनीता जी पलोर से नम्र विनंती करूंगी कि आप आशीर्वचन में दो शब्द कहे। म्यूट पर है क्या वो? शायद हमारे आंटी जी आवाज नहीं आ रही आपकी जरा। अभी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही आ रही। जय श्री कृष्ण। हमारे आराध्य देव भगवान महेश को नमन वंदन और स्मरण करते हुए आज इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में पधारे जिला सभा अध्यक्ष आदरणीय राठी जी, विशेष अतिथि के रूप में आदरणीय सुजाता जी झवर कोकण विभाग उपाध्यक्ष, थाना जिला अध्यक्ष आदरणीय शोभा जिला होटी, सचिव आदरणीय सीमा जी डागा, जिला समिति प्रमुख आदरणीय शिल्पा जी शारदा, थाना क्षेत्र की अध्यक्ष आदरणीय नीता जी चांडक, सचिव आदरणीय संगीता जी मुंद्रा एवं क्षेत्रीय समिति प्रमुख आदरणीय सुनीता जी भूतरा, और अभी जो जानकारी मिली मुझे कि इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज आदरणीय रुचिता जी महोत्ता। मैं सभी को इस प्रोजेक्ट के लिए आप सभी को बहुत बहुत और उपस्थित सभी भाई बहनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप सबको इस 30 दिवसीय ऑनलाइन बाल संस्कार शिविर समर कैंप के आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। सही में आज ऐसे कैंप की आवश्यकता है। इस कोरोना काल में स्कूल की छुट्टियां लग चुकी है और इसके बावजूद हमारे बच्चे घर के बाहर नहीं जा सकते हैं, तो उनको हमें घर में इस तरीके के सकारात्मक चीजों पे व्यस्त रखने का एक यही तरीका है, एक यही माध्यम है। तो आप इस बस ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है आपका। आज के कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में आपने मुझे बुलाया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। साथ ही आप सभी से निवेदन करती हूँ, घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का अपना ध्यान रखें। वो कहना चाहती कोरोना रूपी मुसीबत इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसे परिस्थिति में अपना और अपने परिवार का को रखना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो सभी बहुत अच्छे से परिवार की भी का भी ध्यान रखें, जो भी सरकार आए हैं उनका पालन करते हुए हमें हर तरीके से मानसिक रूप से शारीरिक रूप से सभी तरीके से अपने परिवार को संभालते हुए आगे हमको विजय पाना है। ये शुभकामनाएं दे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, आपके आशीर्वाद से हमें जरूर प्रेरणा मिलती है। हर बार आप जो प्रेरणावादी शब्द बोलते हैं बहुत बहुत अच्छा लगता है हमें। मैं अभी हमारे दूसरे प्रमुख अतिथि जो है थाना जिला माहेश्वरी सभा के प्रेसिडेंट आदरणीय सीए एलवी राठी जी बाय वो तो बाय प्रोफेशन बिल्डर है और उनका उनका क्वालिफिकेशन सीए है। As his name, he is a big donor also. मैं उनसे विनती करती हूँ कि वो आशीर्वचन के रूप में दो शब्द कहे। जय श्री कृष्णा, जय महेश। हालांकि आशीर्वाद देने के लिए मैं बहुत छोटा हूँ, आशीर्वाद हमें अपने बड़ों का मिले, बुजुर्गों का मिले, आशीर्वाद हमें भगवान महेश का और सारे
देवता हैं उनका आशीर्वाद मिले और हम समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और इस कोरोना रूपी जो राक्षस आया हुआ है इसे मारकर हम लोग भगा दें। तो हम अपने बड़े बुजुर्गों से भगवान से आशीर्वाद लेंगे कि हम इस मुसीबत से बाहर निकल जाएं। आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि सुनीता जी पलोड, सुजाता जी जवर और अनुज जी मोहता, मैं तीनों का बहुत अभिनंदन करता हूँ। तीनों लोग समाज के लिए इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनका बहुत बहुत अभिनंदन। ये कार्यक्रम थाना जिला माहेश्वरी महिला संगठन जिनके अध्यक्षा शोभा जी लाहोटी, सचिव सीमा जी डागा और बाल विकास समिति की प्रमुख शिल्पा जी सारडा, थाना क्षेत्रीय महिला समिति के अध्यक्ष नीताजी चांडक, सचिव संगीता मुद्रा और बाल विकास समिति सुनीता जी भुदड़ा। मैंने इनका नाम इसके लिए किया कि आज के इस दौर में जब कोरोना की इतनी प्रॉब्लम चालू है और इस बार का जो सेकेंड वेव है इसमें बच्चे भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, बाहर जाना मना है और घर में बच्चों को हम कितनी देर पकड़ के रख सकते हैं, तो इस वक्त ये कार्यक्रम की बहुत ज्यादा जरूरत थी। जब बच्चों को नई नई चीजें हम सिखा पाए, अच्छे संस्कार दे पाए, उनकी क्वालिटीज डेवलप कर पाए, और जैसा कि हम चाहते हैं कि हम आज तक सुनते आए हैं कि बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं, बच्चे देश का नहीं पहले हमारे परिवार का और हमारे समाज का भविष्य होते हैं, तो उन्हें उनमें क्वालिटी देना, उनमें अच्छे संस्कार डालना ये हमारा पहला फर्ज है, कर्तव्य है। और समाज के लेवल पे जो आप लोगों ने आज ये काम किया है, ये प्रोग्राम हाथ में लिया है, तो इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और इस कार्यक्रम की जो मुख्य है रुचिता मोहता, जो बच्चों को ट्रेनिंग देने वाली हैं, अभी मैंने सुना कि उन्होंने ऑलरेडी कई प्रोग्राम्स किए हैं, कई सेशंस लिए हैं, कितने बच्चों को ट्रेनिंग दी है, तो इनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ये हमारे अनूप जी मोहता थाना जिला युवा अध्यक्ष के की धर्मपत्नी जी हैं, तो दोनों काम पे लगे हैं, समाज सेवा में लगे हैं, ये हम लोगों के लिए अच्छी बात है। बहुत बहुत अभिनंदन है सुचिता का। कोरोना काल चल रहा है और इस समय हम सबको बहुत ध्यान रखना चाहिए, जो भी सरकारी निर्देश हैं या जो नेचुरली हमें ध्यान रखना है, बाहर नहीं जाना है, मास्क यूज करना है, डेली स्टीम लेना है, तो ये बहुत छोटी चीजें हैं मगर बहुत जरूरी है। इस समय से लड़के हमें बाहर निकलना होगा वापस नई दुनिया में जाने के लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना बहुत ध्यान रखें और एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन और मेरी दिल से शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छे से हो जाए। इस तरह का या कोई भी कार्यक्रम कभी कभी करना है तो थाना जिला सभा हमेशा आपके साथ है। और इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन, अपना सब ध्यान रखें, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आराधी जी। आज के समारोह की विशेष अतिथि के रूप में हमेशा हसतमुख रहने वाली और हर प्रोग्राम में अपना एकदम सहभाग लेने वाली हमारी कोकण विभाग की उपाध्यक्षा सुजाता जी जवर, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने दो शब्द कहे, आशीर्वाद दे हमें। जय श्री कृष्ण। आवाज आ रही? आ रही है। जय श्री कृष्ण। आदरणीय प्रदेश सचिव सुनीता जी पलोड, थाना जिला अध्यक्ष आदरणीय राठी जी साहब, युवा अध्यक्ष अनुप जी, महिला अध्यक्ष शोभा जी, सचिव सीमा जी, थाने मंडल अध्यक्ष नीता जी, सचिव संगीता जी एवं समिति प्रमुख शिल्पा जी, सुनीता जी तथा प्रशिक्षिका रुचिता जी, जूम सभागृह में उपस्थित सभी को मेरा सादर जय श्री कृष्णा। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। आज यहाँ पर थाना जिला एवं थाना क्षेत्र ने मिलकर जो बाल संस्कार शिविर का आयोजन किया, जो लगातार एक महीना हमारी बहन रुचिता मोहता सिखाने जा रही है, बहुत बहुत बधाई तथा अभिनंदन। लंबी छुट्टियों में, हम आजकल बोलते हैं समर वैकेशन में आयोजित बाल संस्कार वर्ग का परिणाम बालकों पर स्थायी रूप से सुदृढ़ हो जाए, ऐसी यह सरल तथा सर्वाधिक प्रभावी प्रक्रिया है। आज इस लॉकडाउन के समय हमारी बहनों ने ऑनलाइन के माध्यम से इस शिविर का आयोजन किया है, बहुत ही सराहनीय कार्य है।
बच्चे स्वभाव से अनुकरणीय होते हैं। घर में बड़ों का जैसा आचरण व्यवहार देखते हैं उसी प्रकार बच्चे करते हैं। संस्कार सिंचन का सही समय बच्चों में 12 वर्ष तक की होता है, इसलिए हमें ध्यान देकर समय रहते बच्चों में संस्कार रोपण करना ही चाहिए। कहते हैं कुंभार फिरते चक्र पर माटी को आकार देता है, फिर भी उसे अग्नि में तपकर एक ही अच्छा सा घड़ा बनाना है। उसी तरह हमारे बच्चे भी कच्चे घड़े की तरह होते हैं। हम उन पर अच्छे संस्कार डालेंगे तो भविष्य में आने वाले सशक्त समर्थ संस्कारिक पीढ़ी तैयार होगी। इसलिए बार संस्कार की बात हमारे भविष्य में से जुड़ी है। अगर माँ जिजाऊ न होते तो शेर शिवबान न होते। आज रुचिता ने बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया एवं विविध एक्टिविटीज लेकर यहाँ पर बच्चों को सिखाई गई। एक्टिविटीज भी उनकी बहुत सुंदर है, बच्चों भी बोर नहीं होंगे बल्कि कुछ तो सीख कर जाएंगे। फिर से एक बार इस संस्कार शिविर के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं तथा सभी बच्चों को आशीष। इतना सुंदर प्रोजेक्ट के लिए जिला अध्यक्ष शोभा जी तथा थाना क्षेत्रीय अध्यक्ष नीता जी और उनकी टीम को तहे दिल से धन्यवाद तथा अभिनंदन जाते जाते इतने ही कहना चाहूंगी कि सदाचार से विरहित होकर हो जाती है शिक्षा बेकार, सदाचार से विरहित हो जाती है शिक्षा बेकार, संस्कारों से सुरक्षित शिक्षा यह सच्चा जीवन आधार। आज आपने यहाँ मुझे बुलाया, दो शब्द बोलने का मुझे मौका दिया, धन्यवाद। जय महेश। धन्यवाद सुजाता जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। इसके साथ ही मैं अपने हमारे दूसरे विशेष अतिथि है अनूप जी मोहता, जो थाना जिला के युवा संगठन के प्रमुख है, और मैं उनको पिछले 3 साल से जानती हूँ क्योंकि पिछले 3 साल में मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ। तो मैं अनूप भैया को रिक्वेस्ट करूंगी कि आशीर्वचन में 2 शब्द कहे। जय श्री कृष्ण। जय महेश। आवाज आ रही है? हाँ भैया। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो थाना जिला महेश्वरी महिला संगठन शोभांटी जी जो सीमा जी डागा, थाना क्षेत्र युवा समिति अध्यक्ष नीता जी चांडक, सचिव संगीता भाभी, सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। अगर इस टाइम जो ये जो जरूरत थी, आई थिंक सभी ने इसके बारे में बात किया, जो कोरोना की महामारी है उससे हम सभी लड़ रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ा चैलेंज एक ये आ रहा है, बाहर हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन घर के अंदर जो हमारे बच्चे हैं उनको हम कैसे टैकल करें। आज स्कूल्स ऑनलाइन चल रहे हैं या स्कूल्स काफी रिस्ट्रिक्टेड वे में चल रहे हैं, कहीं फिजिकली जा नहीं सकते, बच्चे सोसाइटी के भी अंदर नहीं जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी जरूरत यह है कि बच्चों को कैसे इंगेज रखा जाए, और इस संदर्भ में जो ये पहल की है थाना जिला महिला संगठन एवं थाना क्षेत्रीय महिला समिति ने, ये बहुत ही अभिनंदनीय कार्य है, बिकॉज ऐसी ही चीज अभी समाज को बहुत जरूरत है। इस प्रकल्प का पूरा मैं अगर प्रारूप देखता हूँ तो बेसिकली जो समर कैंप है इसमें आप सारी एक्टिविटीज देखेंगे, सारी एक्टिविटीज का एक बहुत बढ़िया पैकेज बनाया है। इधर आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड एक्टिविटी भी है, कुकिंग भी है, पब्लिक स्पीकिंग भी है, एक्सरसाइज भी है, डांस और मस्ती भी है, और साइंस एक्सपेरिमेंट भी है। तो एक जो ये पैकेज बनाया गया है 30 दिन का, अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज जो डाली गई है, आई थिंक ये बहुत अच्छा पैकेज बनाया है। किसी को एक एक्टिविटी में इंटरेस्ट होगा, किसी को दूसरी में होगा, किसी को सब में होगा, तो ये बहुत जरूरी है। अगर आप एक या दो चीज डालते हैं हो सकता है बच्चे नहीं आते हैं उसमें, क्योंकि एक या दो एक्टिविटी में सबको इंटरेस्ट नहीं होता है, चूंकि यहाँ एक बहुत बड़ा पैकेज अच्छा से तैयार किया गया है, आई थिंक ये बहुत अच्छा जाएगा। और कहा भी गया है कि आज के जो बच्चे हैं और आने वाले बच्चे हैं उनको एकेडमिक से ज्यादा दूसरी स्किल सेट की भी जरूरत है। अगर आपको एक होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलप करनी है आगे आने वाले हमारे समाज के बच्चों में, तो उन्हें पूरे पैकेज की जरूरत है, ना सिर्फ उनको एकेडमिक्स में, आज सीए है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो सब भी बनाना है, लेकिन आगे जो आगे आने वाली जो लाइफ है उसके अंदर उनकी होलिस्टिक पर्सनैलिटी बनाना जरूरी है, जिसमें उनके माइंड में पब्लिक स्पीकिंग कैसे करना है, स्किल सेट कैसे डेवलप करना है, क्रिएटिविटी कैसे लाना है, आई थिंक ये बहुत जरूरी है हमारे बच्चों में। आप इसको क्रिकेट से भी तुलना करके देख सकते हैं, क्रिकेट में जहाँ पहले 5 बैट्समैन होते थे, 4 बॉलर होते थे और 1 विकेटकीपर होता था, आज के जमाने में वो जमाना गया, आज के जमाने में ऑलराउंडर चाहिए,
तो ऑलराउंडर से मतलब आजकल हर क्रिकेट की टीम में आप 5 से 6 ऑलराउंडर ही पाएंगे जिनको बॉलिंग भी आती है, बैटिंग भी आती है और फील्डिंग भी आती है। कहने का मतलब यह है कि बच्चों को सिर्फ एकेडमिक नॉलेज देना ही सिर्फ आवश्यक नहीं है, आगे उनको अगर जमाने से लड़ना है तो हमें उन्हें कैपेबल बनाना होगा, न सिर्फ उनको एकेडमिक्स बल्कि दूसरी जो स्किल सेट है वो सब भी डेवलप करना होगी। और आई थिंक इसमें समाज का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। और ये जो पूरा पैकेज बनाया है और ये जो आज जो इवेंट होने वाला है जो 30 दिन पूरा चलने वाला है, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि ये पूरे 30 दिन के बाद जो बच्चों में एक स्किल सेट डेवलप होगा एकेडमिक्स के अलावा, वो एक बहुत ही सुंदर रूप में तैयार होगा और बच्चों को एक नए स्किल सेट एक्वायर होगी। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और एक दफा पुनः सारे बच्चों को यही मैसेज देना चाहता हूं कि सारे बच्चे खूब इंजॉय करेंगे और बहुत ही अच्छे से ये होने वाला है 30 दिन का इवेंट और एक अच्छी स्किल सेट आप लोग डेवलप करेंगे। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद अनुप भैया। और अभी बच्चे भी हमारे इससे थोड़ा सा ये हो रहा है कि लेकिन हमको फॉर्मेलिटीज करना जरूरी रहता है तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए थाना क्षेत्र अध्यक्ष नीताजी चांडोक को इस कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करती हूँ। शिल्पा जी एक मिनट। हाँ जी। मैं रुचिता जी पोता से भी अगर वो सामने आके हमें 2 शब्द बोले मन का मनोरथ उनका व्यक्त करे तो मैं चाहती हूँ कि वो भी आगे आए 2 मिनट। जी ये तो बहुत अच्छा है। रुचिता भाभी, जय श्री कृष्ण। जय महेश। मैं रुचिता होता हूँ। मैं गए पिछले 10 महीनों से ये ऑनलाइन हॉकी क्लासेस ले रही हूँ बच्चों के लिए। मैंने एक्चुअली काफी डिस्कस किया था क्योंकि घर में मेरी खुद की बेटी है 7 साल की, तो मैं खुद परेशान हो गई क्योंकि अकेला बच्चा है, बच्चा करे तो करे क्या। तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि मम्मी पापा दोनों वर्किंग है, बच्चे लोगों को क्या किया जाए, मोबाइल देखने छोड़ दिया जाए या टीवी देखने छोड़ दिया जाए। बहुत सारी फैमिली है जो हमारे अर्बन एरिया में आप देखा जाए तो जो भी मेट्रोपोलिटन सिटीज है वहां पे न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत है, तो उसमें आप देखेंगे तो बच्चे लोगों का जो विकास बढ़ना चाहिए वो मैं बहुत कम पाती हूँ, कम देखने को आया है मुझे। इसके लिए मुझे ये आइडिया आया कि मैंने पहले स्टार्ट किया था सिर्फ ड्राइंग क्लासेस के थ्रू, बाद में थोड़ा आइडिया आया कि ये हॉबी क्लासेस के रूप में क्यों ना परिवर्तित करूँ। और जो कि मैं अनिल महेश्वरी समाज से जुड़ी हुई हूँ बचपन से, मैं युवती समिति जब फॉर्म हुआ था तब से युवती समिति में भी रही हूँ और ये संस्कार शिविर मैंने वहां से ही सीखा है करना। हम खुद से एक्टिविटीज करते थे और बच्चों को सिखाते थे, तो मैंने वही अपने बचपन सब जो भी किया हुआ है सब मेमोराइज किया और मैंने अपने प्रेजेंट में डाला कि बच्चों को क्यों नहीं सिखाऊं ये चीज, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने खुद ने बचपन में सीखी है और देखी है करते हुए अपने ही समाज के महिलाओं को। और इसमें सबसे ज्यादा मेरे हेल्प की है अनूप जी पता ने और बबीता जी कोटिया ने कि मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड है, क्योंकि इन लोगों के मोटिवेशन नहीं होता तो कभी भी ये लेवल पे क्लासेस नहीं ले पाती। और सिर्फ क्लासेस लेना ही मेरा मोटो नहीं है, मेरा मोटो है कि बच्चा कुछ अच्छे से अच्छा सीख करके जाए और समझ के जाए मेरे से। स्पेशली मैं महेश्वरी समाज के बच्चों को ही आगे बढ़ने का मौका देना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अपना समाज ही सबसे पहले ये इतना एबल हो जाए अपना समाज ही के दूसरे बच्चे को वो खुद बोले कि हमारे समाज की ये खूबी है, हमारे समाज में ये होता है। कहीं बच्चे लोग आजकल सब मम्मी पापा बच्चे लोगों को ये क्लास वो क्लास सब जगह डाल देते हैं, बट मेरा मोटो सिर्फ ये समाज से है कि मुझे ये समाज को एक करके लेके चलना है। और बाकी 30 दिन शिविर में आप लोग आप सभी बच्चे लोग बहुत ही एंजॉय करेंगे, आई एम वेरी मच श्योर, बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी बहुत एंजॉय करेंगे। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल है रुचिता मोहता के नाम से, मैंने अप्रैल में एक पर्सनली शिविर लिया था, आप लोग देख सकते हो वो वीडियो जाकर के, कि बच्चों से ज्यादा बच्चों के पेरेंट्स ने भी बहुत एंजॉय किया था और खुद के विदाउट एनी महेश्वरी समाज सपोर्ट से
मेरे खुद के पास सिर्फ महेश्वरी बच्चे थे मैक्सिमम वाले समर कैंप में, तो नीता आंटी को ये वाला जो समर्थन कर रही थी मैं इतना पसंद आया कि उन्होंने फिर आगे लेकर के बोला कि हमारे समाज के लिए भी आप ये करोगे क्या, तो आई लिटरली आई वॉज स्पीचलेस। मैंने बोला अपने बच्चों को आगे बढ़ने का अगर मौका मिल रहा है तो मैं अवश्य करूंगी ये चीज, अवश्य ये सब नॉलेज दूंगी, बिकॉज बुकिश नॉलेज और जो भी बुक का है वो सब अपनी स्कूल की टीचर्स हमेशा पढ़ाती हैं, बट जो अपने संस्कार हैं, जो अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है वो मेनली कोई भी स्कूल या कोई भी बच्चा से खुद से कभी नहीं कर सकता है, उनको हमेशा एक मोटिवेशन की जरूरत रहती है। वो मोटिवेशन के लिए ही मैंने ये समर कैंप यहाँ पे थाने महेश्वरी जिला समिति में और थाने महेश्वरी महिला मंडल की तरफ से ये जो समर कैंप है ये लॉन्च हुआ है। आई एम श्योर कि 30 दिन के बाद बच्चे और बच्चे के पेरेंट्स भी हैप्पी फेस के साथ रहेंगे कि उन्हें कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिला है। थैंक यू, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा था रचिता जी, आपको ऑल द बेस्ट ये समर कैंप के लिए। और मैं अभी थाना क्षेत्र की अध्यक्ष नीताजी चांडक से इस कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करती हूँ। नीताजी जय श्री कृष्ण, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी आ रही। सभी को जय श्री कृष्ण। इस कोरोना काल और विकट परिस्थितियों में आप सभी स्वस्थ रहे ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। आज हम सभी फिर एक बार इकट्ठा हुए हैं एक नया प्रोग्राम लेकर, बाल संस्कार शिविर का उद्घाटन। सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ अपनी अति उत्साही प्रतिभावान प्रदेश सचिव सुनीता जी पलोड़ का, आपने अपना समय निकालकर इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बहुत धन्यवाद करती हमारे जिला अध्यक्ष श्री राठी भाई साहब का, आपने अपनी अति व्यस्तता से हमारे लिए समय निकाला। धन्यवाद करती हूँ आपके हमारे कार्यक्रम की विशेष अतिथि सुजाता जी झंवर का, आप हमेशा तत्पर रहते हैं समाज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जिला के युवा अध्यक्ष श्री अनुप जी मोहता का, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद करती हूँ हमारी जिला महिला अध्यक्ष शोभा जी लाहौटी का, जिन्होंने यह कार्यक्रम लेने के लिए तुरंत अपनी अनुमति दी। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार कार्यक्रम लेने वाली हमारी बेटी रुचिता मोहता का, जिन्होंने इस कार्यक्रम लेने के लिए तुरंत अपनी सहमति दी। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार शिल्पा जी सारडा का, आपने आज के कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर सूत्र संचालन किया। धन्यवाद, जय महेश। रुचिता जी से रिक्वेस्ट है कि वो अपना क्लास शुरू कर सकती है अभी। जय श्री कृष्णा सभी अतिथियों से रुचिता ऑल द बेस्ट क्लास चालू करने के लिए शुरू करने की अनुमति चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हैं, बहुत अच्छा होगा प्रोग्राम। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद, शुभकामनाएं, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट टू सब। रुचिता जी ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट रुचिता मंगला जी, धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया कार्यक्रम लेने जा रहे हैं, बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मंगला आंटी जी जी, धन्यवाद जी। राठी भाई साहब आपने हाजिरी लगाई, महिला समिति को प्रोत्साहित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता जी आप जैसी स्फूर्तिवान हमें मिली है ये मॉनिटर के स्वरूप में, बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक एवरीबॉडी शुड गेट म्यूटेड नाउ, लेट द क्लास स्टार्ट नाउ। यस यस
थैंक यू चलो ओके रुचिता स्टार्ट कर दो आप हमें डिलीट कर दो। जय श्री कृष्ण सभी लोगों को। तो आज हमारा ऑयल आर्ट है, इसके लिए कहूंगी कि जो मैंने मटेरियल मेंशन किया था A4 साइज या A3 साइज पेपर या ड्राइंग बुक तो बच्चे करके रेडी हो और ऑयल पेस्टल के क्रेयॉन है, नॉर्मल स्टेशनरी का पेन पेंसिल इरेजर स्केल और ऑयल पेस्टल का क्रेयॉन्स और कॉटन या तो थिन पेपर, ये सभी बच्चे लोग वो लेकर के रेडी रहे। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो सब अनम्यूट नहीं होंगे अपने आप, सब म्यूटेड रहेंगे। पेपर अपना आपको ऐसे स्लीपिंग पोजीशन में रखना है, मेरी जो स्क्रीन है वो डायरेक्टली पेपर को दिखा रही है, तो पेपर ऐसा स्लीपिंग पोजीशन में रखना है। आप पेपर के चारों बाजू बॉर्डर्स निकाल लेंगे, चारों बाजू बॉर्डर्स निकाल लेंगे। It is in which paper? I have told a plain paper, either A4 size or A3 size. So, you should have either A4 size paper or A3 size paper, or you should have your drawing book. Everybody should be ready with their drawing paper. ये बॉर्डर निकाल लेना चारों बाजू से। आपका A3 साइज है तो 2 सेंटीमीटर का बॉर्डर आएगा, A4 साइज है तो 1 सेंटीमीटर का बॉर्डर आएगा। साइमल्टेनियसली ड्राइंग बुक में भी सेम ही होगा मेजरमेंट। प्लीज आप अपने आप को म्यूट मत कीजिए, म्यूट रहिए प्लीज। जो टीचर टीचर करके बोलना है वो म्यूट, दूसरे बच्चों तक मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी। अपने आपको अनम्यूट मत करेगा। हाँ बुक है तो आप बुक पे करेंगे, कोई बात नहीं। अगर आप लोगों के पास बुक है, ड्राइंग बुक्स है, तो आप ड्राइंग बुक्स पे करिए, कोई बात नहीं। ओके रुचिका मैम, सॉरी टू इंटरप्ट, योर स्क्रीन इज वेरी डार्क, नॉट एबल टू सी। My screen is very dark. It's not clear. Dark. Yes. It is very much clear. I can see on through. I have logged on to. मैंने दो मोबाइल से लॉगिन किया है, मुझे दिख रहा है. Yeah, but we are not able to see. Na, do some adjustment so that we can see it clearly. Ma'am, we have to take the margin from all the four sides. Yes, you have to draw the margins from all the four sides. Okay, thank you. We all have to keep the paper in the sleeping position. We all have to keep the paper in sleeping position. I'm sorry to interrupt, but your voice is breaking. What? What? Your voice is breaking a little bit. If everybody will unmute now, then my voice will not come to you properly. So your screen is very clear and your voice is not breaking. It's other people's internet. Yes. Kindly please be on mute, everyone. See, yes, Zoom mein to main aap logo ko mute nahi kar sakti hu, but kindly cooperate with me. I will be needing two colors. One is rose pink color and the other is violet color. I will be needing only two colors and directly we will be coloring first. और मैं आप लोगों के लिए उल्टा बना रही हूँ, ये मेरा ऊपर का पार्ट है, ये मेरा नीचे का पार्ट है। मैं आप लोगों के लिए उल्टा ड्रॉइंग इसके लिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को बहुत क्लियरली विजिबल हो।
सो यू हैव टू करेंटली आपने ये बॉर्डर बना लिया है बॉर्डर बना लिया है मैम कलर कौन से कलर है मैम आई हैव मेंशन इन द चैट फॉर माय दिस इज द म्यूट म्यूट एक्सक्यूज मी मैम कलर्स आर मेंशनड इन द चैट बॉक्स प्लीज सी योर चैट बॉक्स पहला कलर है रोज पिंक दूसरा कलर है व्हाइट ये मेरा टॉप है ये मेरा बॉटम है मैं ड्राइंग उल्टा बना रही हूँ ताकि आप लोगों को सीधा बराबर से दिखे मैं ड्राइंग उल्टा बना रही हूँ ताकि आप लोगों को बराबर सीधा दिखे कौन से कलर जो रोज पिंक का है बाउंड्री यहाँ तक है रिमेम्बर चिल्ड्रेन Whenever you are coloring, you have to keep coloring only in one direction. पहले आप outlining करके ले लो color की. इतने part में rose pink है. ये ऊपर का part है. आप लोगों को सीधा दिखे. इसके लिए मैं drawing उल्टा बना रही हूँ. मैं coloring उल्टा कर रही हूँ. ताकि आप लोगों को सीधे से दिखेगा. मैम dark violet चाहिए कि light violet? मैम आपकी स्क्रीन ही नहीं क्लियर नहीं दिख रही है आपकी स्क्रीन बहुत ब्लर है वी आर नॉट एबल टू सी एग्जैक्टली ब्लर आ रही है स्क्रीन नाउ इट्स ओके ऐसा ही सेट कीजिए मैंने कुछ नहीं सेट किया है मेरा स्क्रीन इज है मैम So, you have to start coloring. Rose pink color. Color एक ही direction में करना है. Color करते हुए white spaces दिखेगा तो चलेगा. Scribble नहीं करना है. एकदम धीरे धीरे coloring करना है. मैम scribble जरा भी नहीं करना है. एकदम धीरे धीरे coloring करना है. Rose pink करना है कि violet करना है हमें ऊपर रोस्टिंग करना है मैं बच्चों आप लोगों के लिए उल्टा ड्राइंग बना रही हूँ ये मेरा ऊपर का पार्ट है ये मेरा नीचे का पार्ट है आप लोगों को एज इट इज कॉपी करना है जैसे आपको दिख रहा है ये ऊपर का पार्ट है मैम इन हाफ वी हैव टू मेक विद रोस्टिंग एंड इन हाफ वी हैव टू मेक विद वॉयलेट फर्स्ट विल यू डू दिस विल यू कंप्लीट मैंने इतना बॉर्डर दिया है आधे से थोड़ा कम है पूरा आधा नहीं है ये पेपर ओके बच्चे लोग यस मैम यस टीचर बीच में प्लीज कोई भी अनम्यूट मत हो जाओ वरना आप लोगों को समझेगा नहीं कि मैं क्या बोल रही हूँ एक्सक्यूज मी टीचर यस मैम रोज कलर साथ में यूज करने क्या नहीं सिर्फ रोज पिंक करना है ओके ये मेरा रोज पिंक कलर है ऊपर रोज पिंक करना है आधा आधा से थोड़ा कम पेपर है मैंने बाउंड्री लाइन दिया हुआ है कलरिंग करना स्टार्ट करना है व्हाइट स्पेसेस दिखेगा तो चलेगा हमको कलरिंग लेकिन एक ही डायरेक्शन में करना है अभी मैंने कलरिंग स्लीपिंग लाइन में करना चालू किया है तो मैं पूरा पेपर में स्लीपिंग लाइन का ही कलरिंग करूंगी ऐसे हमको पहले स्टैंडिंग स्लांटिंग स्लीपिंग ऐसे नहीं करना है ओके ये हमने ऊपर के पार्ट में रोज पिंक कलर किया है हम लोग स्काई बनाने वाले हैं तो हमारा जो स्काई है हम लोग पिंक और वॉयलेट कलर का स्काई बनाने वाले हैं तो ये ऊपर के पार्ट में मैंने रोज पिंक कलर किया है टीचर लाइट जो कि मैंने चैट बॉक्स में मेंशन किया था इतना पार्ट हमें रोज पिंक कलर से करना है एक्सक्यूज मी टीचर हमको लाइट प्रेशर से करना है मीडियम प्रेशर मीडियम नॉट लाइट नॉट डार्क व्हाइट स्पेसेस विजिबल होगा चलेगा इट शुड बी अ मीडियम प्रेशर
Ma'am, can you wait for some time? Once you are done this much part of rose pink, the entire down part till down, जो आपका border है वहां तक का part violet है, but violet start करने से पहले आपको one finger तक जो color करना है वो pink के अंदर से start करना है. Rose pink के अंदर से I am going to start and then I am coming down. So for your ease, you should first draw the बॉर्डर. बॉर्डर आप जैसे बॉर्डर है वैसे ही ड्रॉ करोगे. उसके लिए यूनिफॉर्मिटी बॉर्डर का रखना है हमें. वी नीड टू गिव अ शेड यू नो रोज पिंक एंड वायलेट. वी नीड टू गिव अ वी आर गिविंग अ शेड ऑफ रोज पिंक एंड वायलेट. सो वंस यू आर डन रोज पिंक यू हैव टू टेक योर वायलेट कलर. And one finger, almost one finger, you can see, keep your one finger jitna andar aapko violet color karna hai, rose pink ke color ke andar, and then you have to come down. See, one finger jitna andar, rose pink ka andar violet karna hai, then you have to come down. मैम विच कलर यू आर टेकिंग? वायलेट कलर बच्चा. मैंने अपना फर्स्ट कलर था रोज पिंक, सेकेंड कलर है वायलेट. मैम डार्क वायलेट? नो नॉर्मल ओनली वायलेट. यस व्हेनेवर देयर इज अ स्पेसिफिक कलर आई विल से यू वेदर इट इज डार्क और लाइट. दिस कलर नंबर इज D451 ओनली वायलेट. Ma'am, is the color number 451? Yes, the color number is 451. And ma'am, rose pink number? Rose pink number is 380. Okay. Ma'am, dark violet number? You don't need dark violet. You need only violet color. The color number is 451. You remember, you have to keep coloring only in one direction. आपको एक ही direction में color करना है. Don't do first slanting कर लिया, sleeping कर लिया, फिर वापस से slanting किया, फिर standing किया. ऐसे कोई भी बच्चा color नहीं करेगा. Ma'am, we have to do with oil pastel. Yes, बच्चा, this is our oil pastel class. You have to do with oil pastels. Ma'am. हाँ, एक उंगली अंदर जाना चाहिए, एक उंगली जितना अंदर करना है. किसके पास ऑयल पेस्टल नहीं है आप बोले? मैम यस वी वांट टू नाउ फिल फुल पेज विद वाले कलर. यस अभी जितना भी रिमेनिंग पेपर था रोज पिंक के बाद का, दैट यू कैन फिल इट विथ योर वायलेट कलर. यस मेरे पास वायलेट नहीं, मेरे पास डार्क वायलेट. ओके, तो आप डार्क वायलेट से करो, बट एकदम लाइट प्रेशर से करना. Now, once you are done doing the page, the entire page, only leaving the borders, see very carefully what I am doing. I am taking cotton in my hand. Ma'am, 5 minutes, rukiye. Ma'am, abhi bachcho ka coloring nahi hua hai. Okay. Teacher, what is the number violet?
Violet is 4-5-1. मैम मेरा हो गया। हाँ जिस किसी का भी हो गया है। मैम मेरा कलर हो गया। यस 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 नो नो नीड टू से हो गया ओके नो नीड टू से दैट। जिस किसी का भी हो गया है मैं उन लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ और जिन लोगों का नहीं हुआ है कोई बात नहीं मैं उन लोगों को दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी। बोलना है डन मैम। ओके No one will say, bacha, unmuting done. Srishti, please be on mute. Everyone will be on mute. Only any doubt, that time you can unmute and ask. Or either there is an option of raise hand. In Google Meet, there is an option of raise hand. You can click on to that option and I will be having your who have raised hands. So I'll be asking them. As of now, I am able to see Mukti Mundra, Ridesh Kasar, Ayu Sharda, Soumya, Namish. Why you all have raised hands? Are you having any doubt? No, ma'am. No, ma'am. Lower hand kar dena fir. Ma'am, I want to say something. Yes. कॉटन विद द कॉटन आपको एकदम कस के ऐसे ऐसे राउंड राउंड घुमाना है। पेपर एकदम कस के पकड़ना ओके राउंड राउंड घुमाना है। आप देखोगे द एक्सेस कलर इज कमिंग इन योर कॉटन एंड हियर द शेड इज डिफरेंट। सी यहाँ का पिंक में और ये पिंक में डिफरेंस लग रहा है आप लोगों को? यस। सो यू विल गेट अ डिफरेंट शेड व्हेन यू रब विद कॉटन। तो बहुत कस के रब करना है। फॉर स्मॉल किड्स अगर वो लोग थक जाएंगे तो प्लीज उनकी मम्मी लोग असिस्ट करो उन लोगों को। प्लीज बी ऑन म्यूट। यू हैव टू जस्ट रब इट राउंड राउंड हाँ सर्क्यूलर मोशन में राउंड राउंड रब करना है ऐसे। मैम मैं कॉटन ले आई। Yes, you have to rub in a circular motion right from the start. You have to start rubbing in a circular motion like this. When you start rubbing, the excess color from here will go. See this, you will see the difference. The excess color will come into your cotton. And one more important thing, when your cotton has become very much dirty, you can change that. Iske liye ye bahut chota chota cotton balls lena hai. You don't have to waste the cotton. Ma'am, this much? Yes, small. Yes, yes. Ma'am, this much? Small, small. Don't show me. Ma'am, this much? You always waste time in showing this much. Chota sa ball dekho, mera ball dekho. Chota sa ekdam. Jo aap pakad ke, aap usko rub kar pao. Ma'am. Yes. मेरा कलरिंग हो गया बट मेरी कलर्स टूट गए। हाँ कलर टूट गए कोई बात नहीं। टूटे हुए कलर आल्सो यू कैन यूज ना मैम। यस एक्चुअली आई हैव डन लिटिल बिट डार्क कलरिंग। हाँ सो इट विल बी ओके। इट विल बी ओके। यू नीड मोर ऑफ प्रेशर व्हेन यू आर जस्ट रबिंग विद कॉटन। ओके यस
मैम मैंने जो कलर किया है ना उसमें वो मैंने कॉटन से किया पर इसका कलर चेंज हो रहा है, पर इसमें ऐसा कैसा ही रह रहा है। मतलब जो मैंने कलर किया है ना वो चेंज नहीं हो रहा है कलर। होगा बहुत ही डार्क ऐसे दम लगा के करना एकदम। सबने खाना वगैरह खाया है ना सब बच्चों के? नहीं मैम मेरा एनर्जी है कि नहीं है मैम वॉलेट भी सेम करना है। ओके वेट जो वैक्स क्रेयन से कर रहा था ना तो वो ऐसा मत करना क्योंकि आपका वो कलर का इफेक्ट आएगा ही नहीं। दिस इफेक्ट इज ओनली फ्रॉम ऑयल पेस्टल्स एंड नो अदर कलर मैम। दिस नॉट फ्रॉम योर पेंसिल कलर्स नॉट फ्रॉम योर वैक्स क्रेयन। माय कॉटन इज डर्टी सो आई एम चेंजिंग माय कॉटन। I am not understanding. There are 3-4 people who have unmuted themselves and they are talking. Ma'am. Wait, raise hand option करो तो ही मैं देख करके आप लोगों को पूछूंगी। Yes, Mukti Mundra, what happened? Only Mukti Mundra. I have asked only Mukti Mundra. What happened? Do now the purple color, violet. Huh? Can I have done the rose pink, sir. I can do the purple violet. What with cotton? Yeah, I have done the. Yes, with cotton you can start doing the violet. जो हमने सबसे पहले ये पोर्शन करना जो हमने मिक्स किया ना वो पोर्शन। मैम वायलेट कलर यस। नाउ स्लोली स्लोली आपको ये नीचे वायलेट कलर में भी करना है। ये पूरा पेपर को ऐसे स्मज करना है। यस हाँ टिश्यू पेपर से भी कर सकते हैं आप क्लॉथ से भी कर सकते हैं। मेरा अकाउंट से करना पड़ेगा आपको क्या? मैम बेटा आप अपने मम्मा लोगों से बात कर रहे हो ना बच्चे लोग तो आप अनम्यूट मत करो। आप मुझसे बात कर रहे हो तो आप अनम्यूट करो। मैम पंच से कर सकते हैं। किससे? लाइक दिस yes now do in the violet part. Now we have to shade the both colors. What? Now we have to shade both colors. Yes you have to shade both the colors. Ma'am yes. Can we use I can be nahi स्केच पेन नहीं करना है मैम। एंड द कॉटन टाइल आल्सो आई एम यूजिंग जस्ट अ सेकंड। हां यस Okay. Ma'am, I was doing the red screen. So what I have to do? Teacher. Yes. मैं ये उसको ये घिसता हूँ तो सारा कलर निकल जाता है फिर से व्हाइट हो जाता है। नहीं होगा देखो
व्हाइट तो जरा भी नहीं हो। निकल निकल स्मोकर मैम आपका वीडियो अटक रहा है। जिस किसी को भी मेरा वीडियो अटका हुआ दिख रहा है ना, वो प्लीज अपना खुद का इंटरनेट कनेक्शन चेक करना प्लीज। बट जब मैं पेज कर रहा हूँ तब तब उसमें मैंने पेजिंग करा उसमें डैम था से कर रहा था तब वो कलर था ना ऑटोमेटिक फैल रहा था। मैम ऑयल पेस्टल फैलता है बिकॉज इट इज हैविंग ऑयल इन इट। इसके लिए आई टोल्ड कि आप लोगों को मीडियम प्रेशर से करना है। फॉर द वंस हु हैव डन इन द हार्ड प्रेशर उन लोगों का ऑयल पेस्टल उनको आप लोगों को ऐसा लगेगा वो फैल रहा है। बट एनी टाइम विद अ कॉटन यू कैन डू, वंस यू विल डू विद कॉटन वो नहीं लगेगा ऐसा। मैम आई हैव डन। If you have done, please be quiet. If you have done, please be quiet. And parents, जो भी parents अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, please mute कर दो अपने आप को। मेरा आवाज नहीं जाएगा वरना बच्चों तक। Please mute. मेरे से कॉटन से कलर Everyone on mute. Not even a single kid will be unmuted. Since an year, we are doing our online school classes through this medium only, either Zoom or either Google Meet. You have to follow certain protocols. When I am saying that आप raise hand करो, मैं आपसे पूछूंगी। आप लोग बार-बार क्यों इतने सारे लोग साथ में बोल रहे हो unmute होके? मुझे कुछ भी किसी का भी नहीं समझ में आ रहा है। देवांग मंडावरा आपने वैक्स क्रेयॉन से किया है तो आपको ये प्रोसेस करने का जरूरत नहीं है। वैक्स क्रेयॉन से शेडिंग नहीं आती है। नाउ एनीवन हु इज हैविंग डाउट कैन राइट इन द चैट बॉक्स प्लीज। आई एम रीडिंग द चैट बॉक्स। प्लीज राइट योर क्वेरीज इन द चैट बॉक्स। एंड फॉर द किड्स हु हैव डन द ड्रॉइंग्स please be muted. We will start a drawing on this in few minutes. Kindly don't be unmute. 6-7 people together, 6-7 kids together are unmuted. I'm not able to understand anything. Bacha log, you have to follow certain things. If you are not having rose pink, ओके दैट यू यूज रेड। नीचे कौन सा कलर यूज किया ब्राह्मिनी जाजू? रेड के बाद पर्पल ही किया, वायलेट ही किया? मैम आई यूज्ड वायलेट ओनली। ओके विल डू, चलेगा, नो प्रॉब्लम। नाउ एनीवन हैविंग एनी डाउट फॉर स्मॉल बच्चा लो? पेरेंट्स उनको लिखना नहीं आ रहा है तो पेरेंट्स प्लीज राइट द क्वेरीज इन द चैट बॉक्स। मैम यस वी हैव टू पेंट लाइक दिस ओनली। यस नाउ डू इट डाउन साइड वायलेट कलर। ओके मैम। या you all are my good kids, right? So please don't unbreak the protocol of again and again getting unmuted, please. Otherwise we won't be able to do these classes. Ma'am, sorry. Kya? Teach.
यस इंद्र खबर आपने एकदम सही किया है. Teacher Maya is done. Yes, once you are done, I will be waiting for another 2 minutes. Then I will be starting. इसके बाद क्या करना है? मैम, that's what I'm saying. I will be waiting for another 2 minutes. फिर बताती हूँ आप लोगों को इसके बाद क्या करना है. There are many kids who are I can see in the screen who are just learning the concept from the cotton. When I do the cotton minute, there is gap. It shouldn't be. Now is it right? रिदेश इट इज राइट, रेशमा सिक्की इट इज राइट, रिया साबू इट इज राइट, मुक्ति मुंद्रा प्लीज बी म्यूटेड. Are you please be muted? Yes, Brahmini, it is right. Teacher, I am wrong. Ma'am, like this only, no? Yes, like that only. So that's very good. I am done. Thank you, ma'am. Yes, I have seen Pooja Rathi. Ma'am, okay. My triangle is coming out of the margin when I am doing with the cotton. You have to take that much care that it shouldn't go out. You have to take that much care that your smudging color will, should not go outside. Okay. My mother. Now. Ma'am, can you do it again? Huh? Which color we have to take now because I will disconnect. Which color you are you? You have just joined? Ma'am. Can I get your name, please? Ma'am, I am Soma. I was telling that I was disconnected when network issues and what you have done till now. हमने पहले रोज पिंक कलर किया, फिर वायलेट कलर किया. उसके बाद हमने कॉटन से स्मज किया दोनों को. और रोज पिंक के बाद जब वायलेट स्टार्ट किया ना, तो एक उंगली जितना स्पेस वायलेट हमने पिंक के अंदर किया, फिर कॉटन से दोनों को स्मज कर दिया. नहीं, उसके बाद कुछ नहीं किया. सपना मुंद्रा इट इज गोल्ड, स्वाति मुंद्रा इट इज गोल्ड. आई एम टॉकिंग टू यू थ्रू द नेम्स व्हिच यू आर लॉग्ड इन. मैम ओके सो इसके बाद सी व्हाट यू हैव टू डू विद योर ब्लैक कलर. I want only the black color now in your hand. Ma'am, I have done my work. Yes, that's what I'm showing you what has to be done ahead. I want only the black color now in your hand. Ma'am, like this? Black color, beta. Yes, like that only. Yes, are you sure? Yes, like that only. Pink upar rakhna. प्लीज बी ऑन म्यूट. मैंने लेक्चर स्टार्ट हुआ ना तभी बोला था कि मैं उल्टा ड्राइंग बना रही हूँ. पिंक ऊपर है, वायलेट नीचे है. मैं आप लोगों के लिए उल्टा ड्राइंग बना रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखेगा. Please be on mute. Srishti? Ma'am. Rose pink upar hona chahiye ke violet? Black. Have a doubt. Rose pink upar hona chahiye. Ma'am. Yes. I have a doubt. If the color goes outside the margin, so how we can find this thing? We can use tape to do that. Srishti, aapne pucha ye? Yes, miss. आपके ऑयल पेस्टल के डब्बे में क्रैशर करके होगा. हाँ.
हाँ तो आप उससे कर सकते हो एकदम धीरे धीरे करना. दिस इज नॉट फॉर द स्मॉल किड्स बट इट वाज ओनली फॉर द बिग किड्स. ओके I suppose they, by now everyone present over here, उनका नाम चैट बॉक्स में आ चुका है. सो नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ पिक्चर बट विच टाइप ऑफ ट्री यू कैन हैव अ लुक विच टाइप ऑफ ट्री विद अ ब्लैक कलर विद अ ब्लैक कलर ड्रॉ अ पॉइंटेड कनेक्शन चेक करो. मतलब मेरा इंटरनेट कनेक्शन तो ठीक है लेकिन वो दूर है थोड़ा पिक्चर इसीलिए. नहीं बेटा पिक्चर ये मोबाइल के ऊपर आ गया पिक्चर ये देखो आप देख लो ऐसे इस पेटीएम बना के ऐसे लाने समझ में आया क्या मम्मा. स्क्रीन को जूम करो आपको नहीं दिख रहा है तो बोलिए. स्ट्रोक्स देना बच्चे लोग स्ट्रोक्स देना है आप लोगों को. देने के बाद क्या करना है. अरे वेट बच्चा आई नो यू कैन डू फास्ट देयर आर मेनी किड्स ओवर हियर वेट. स्ट्रोक शुड बी गिवन इन द फॉर्म विच यू हैव ड्रॉन द लाइन्स फर्स्ट. ओके The teacher, the black color number is what? Black color's number. I am not able to make out, but it is black. 16. And no other color is there. Ma'am, 16. Why is it 016? Again, a tree over here. Teacher, your screen is, your paper is on back side. Huh? Your paper is on back side, not front side. मतलब? आपका paper पीछे के तरफ है, आगे के तरफ नहीं है. पीछे और आगे मतलब मैं सच में आप लोगों के लिए उल्टा बना रही हूँ बच्चा तो आपको मेरा पेपर उल्टा ही दिखेगा. अच्छा हाँ मैं उल्टा बना रही हूँ ताकि आप लोगों को सीधा दिखे. मैं इसके लिए ड्राइंग उल्टा बना रही हूँ. पर्पल हमारा पर्पल कलर है नीचे पर्पल कलर के यहाँ से आपको स्टार्ट करना है. टीचर मैम सॉरी टू इंटरप्ट
but it is going very difficult for kids. As you can see, my son had it like this. So agar aap seedha paper rakhenge and fir unko guide karenge, that will be more easier for them also. क्योंकि सब सब एज ग्रुप के बच्चे हैं और हर किसी को ये नहीं समझ रहा है कि पेपर सीधा कैसा है और उल्टा कैसा है। टीचर दुर्वा का देखिए बराबर है क्या? मैं आप बोल रहे हो मैं ऐसा रखूं? एग्जैक्टली जैसा है, मतलब फ्रंट फ्रंट अपर साइड रखिए। आई एम सेइंग हाँ एग्जैक्टली दिस इज टीचर ये दुर्वा ने बराबर किया है क्या? एक मिनट हाँ बताओ देखिए कौन बता रहा है? ये दुर्वा की मम्मा रेशमा। हाँ बराबर है बराबर है मैम। ये देवांश का देखिए मेरा पेपर बराबर है। मैम इज दिस राइट? You are हाँ that is right बराबर है। Man is this right? Lakshmi double yes right? Is this right? Yes right so man. Purple or pink mix नहीं हो। Man is this right? बोला यार मामा मैं पूरा ऐसे ही करना जितना बोला है। Ma'am, I have another class, so can I leave? Teacher is this right? Ma'am, like this? मैं जो कर रहा हूँ ना वो दूसरे दूसरे वाले से ज्वाइन तो हो रहा है वो वाला। On the purple side. Ma'am, where should we start from here or this side? Excuse me, ma'am. Teacher, how much we are drawing? How much we are drawing? Ma'am, aapki picture pinned nahi hai, so we are not able to see your picture. Mera picture kya nahi hai? मैम वी कांट सी योर पिक्चर बिकॉज वो पिंग नहीं है ना तो अब जो भी पार्टिसिपेंट बोल रहा है उसकी पिक्चर आ रही है। मैम तो आप मुझे पिन करके रखिए रुचिता मोहता को आप पिन करके रखिए आप खुद वो कर सकते हैं मैम। ओके आई एम जस्ट हाँ यू कैन पिन रुचिता मोहता स्क्रीन सो दैट यू विल बी एबल टू सी ओनली माय स्क्रीन एंड फॉर द किड्स हु आर जस्ट अपेरेंटली टॉकिंग आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग हेल्प आई एम नॉट रिप्लाइंग टू यू ऑल बिकॉज सीरियसली आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग वन आफ्टर द अदर इज अनम्यूटिंग एंड टॉकिंग। Okay. I am actually not understanding what you all want to say. Teacher, how much tree we are drawing? I am drawing six trees. पर मेरे इसमें तो 5 trees की space है। तो ठीक है आप 5 भी बनाओ। जिसके इसमें 5 ट्रीज का स्पेस है वो 5 बनाओ, जिसके इसमें 6 का स्पेस है वो 6 बनाओ। मैम यस मेरा नाम क्या बोलते हैं अभी तक
सेकंड कर सकते हो बेटा ठीक है मुझे जहां तक याद है मैम खत्म हो गया क्या आपकी ड्रॉइंग थोड़ा सीधा करके दिखाइए ना प्लीज जस्ट ड्रॉ वेरी लाइट स्ट्रोक फ्रॉम ब्लैक कलर हियर मैम लाइक दिस यस मैम व्हाट आफ्टर दिस मैम लाइक दिस दिख रहा हूँ मैम यस यस बेटा सो नाउ आई वांट यू ऑल टू टेक आउट योर व्हाइट कलर white with the white color we have to draw like this moon ma'am I am not done with the trees so you can do I have not stopped you to do semi circle moon or the full yes. a half moon you have to draw a half moon okay टीचर पर्पल से ऊपर करना है पर्पल से आफ्टर ड्रॉइंग द मून आफ्टर ड्रॉइंग द मून जस्ट टेक योर व्हाइट कलर एंड डू दिस ऑल डॉट्स टीचर यस हमें क्या करना है ये पर्पल कैंसिल करके पिंक के एंड ऑफ को ट्रीज करने हैं ये हां ऐसे को वैसे करना है हाँ पर्पल के अंदर ही है वो ट्रीज और मून का करना है मून इज इन द पिंक पार्ट पर पूरा पिंक पार्ट तो मैंने ट्रीज का है थोड़ा सा यार इसको थोड़ा जोर से दबा पिंक पार्ट मैंने ट्रीज का बोला ही नहीं था मैंने आपको बोला कि पर्पल पार्ट पे ट्रीज करना है मैम थोड़ा जोर से नहीं है कर दिया अब क्या करूं इट्स ओके नाउ यू डू पर्पल पार्ट पे मून ठीक है जो दुर्वा ने जो ट्रीज है ना वो उल्टे ड्रॉ कर दिए लुक एट दिस मैम एक बार मून से मतलब रिपीट करना वो ट्री होने के बाद क्या किया है मैम व्हाइट क्रेयॉन से किया है क्या मून मैम आई डिड द ट्रीज करेक्ट एंड वंस व्हेन यू आर डन विद दिस मैम आई एम विद इट कैन आई शो यू वेट जस्ट यू टू टेक योर ब्लैक स्केच पेन पे जो हमने बाउंड्री बनाया है ना हां ठीक है
working life. Yes. I have did the trees correct. Please check. Yes, it is proper. Ma'am, what you have to do with the black pens? Border karna hai, border black pen se. Ma'am, can you check my runs? Yes, it is proper. Okay. Ma'am, I have not white color, which color I use. Ma'am, I don't have white color, which color me use. If you don't have white color, don't do anything then. Leave it as it is. Teacher, white color okay. Na color na ho raha hai. Teacher, white color na pink color hota hai. White color hota hai. If it is smudged properly na, to white color hota hai. But teacher, mera white color na ho raha nahi hai moon se. Then don't do that. Leave it as it is. This will be your drawing. Leave it as it is. Ma'am, after this, what we want to do? Nothing. This what? Is the drawing. Ma'am, I've done it with it. Yes. Those who have done, remember one thing, everyone. ऐसे अपने हाथ में पकड़ के फोटो हाँ. निकाल के ग्रुप में भेजना है. आपका फेस आना चाहिए. ओके हाँ. एंड यू आर द वंस हु हैव डन कैन लीव द मीटिंग. टीचर में ट्री उल्टे हो गए. राइट कलर रखना नहीं गलत. Then at home practice कर सकते हैं क्योंकि जिसका ट्री उल्टा हो गया है वो घर पे स्ट्रेट ट्री का प्रैक्टिस करो और मुझे स्ट्रेट ट्री वाला ड्राइंग बना के भेजना. I'm like that. Yes, are you there? Everybody, जिन जिन का हो गया है वो ऐसा अपना स्क्रीन पे दिखाओ. मैं देखती हूँ. स्क्रीन पे दिखाओ. मैं देखती हूँ. भैया please be on mute. Right. Reshma, please be on mute. Neeraj, Ashita, ma'am, Tapna, Soumya, I have seen your drawing. You may leave the meeting. Meet Sarva, I have seen your drawing. बॉर्डर जो व्हाइट हो रही है उसके बाहर जो कलर जा रहा है उसके लिए क्या करें? सपना मुंडा मीटिंग. Yes, ma'am, you all can leave the meeting. Picture dikhana na, ma'am. Picture look nice. Ma'am, see my drawing. Picture look nice. Ne bole photo khichi le. Yes. Ridesh, very good. I'll see your drawing. Ma'am, see my drawing. Ma'am, see my drawing. कौन बोल रहा है? नाम तो बताओ बेटा. यस, वेरी गुड. सुरभि के नाम से जो है आई हैव सीन. वेरी गुड. मैम सीमा ड्राइंग. थैंक यू. यस गीत. वेरी गुड. थैंक यू. प्लीज सी माय ड्राइंग. विराज मैम प्लीज सी माय ड्रॉइंग. बजाज वेरी गुड. नहीं चलता. मैम सी माय ड्रॉइंग. पूनम जबर वेरी गुड. मैम मैम सी माय ड्रॉइंग. थैंक यू प्रेस्टी. आयुष आई एम वेरी गुड. मैम रमिनी वेरी गुड. आयुष वेरी गुड. लीला वेरी गुड. स्वाति वेरी गुड. साड़ी जी के साड़ी. मैम कैन आई लीव? मैम यस कैन यू सी माय
Ma'am, can you show how to draw moon? Ma'am, how to draw moon? Circle, half circle. Then inside again, one circle. Curved D. See? Curved D. Okay? Ma'am, we need to... Ma'am, please check my drawing. पकड़ी हुई है बाय एवरीवन। बाय। अरे टीचर जी।